चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एक तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मेरे पास कर्व है और एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मेरे पास कर्व है। तो हमें ये तो पता है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को क्या करूंगा, इक्वेट, क्योंकि दोनों ही वाई के बराबर है। इक्वेट करेंगे आप तो देखिए, एक्स स्क्वायर से आप सीधा कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वन निकल के। हालांकि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 0, 0 और 1, 1, क्योंकि जब मैं एक्स इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो वाई भी क्या निकल के आएगा, 1 मेरा निकल के आएगा। तो एक्स की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, एक्स की लिमिट जाएगी 0 to 1, और जो वाई है, वाई की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, एक्स क्यूब से लेकर एक्स स्क्वायर तक, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर तक। तो अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन कि आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है। एक तो मेरी x की लिमिट जा रही है 0 से 1 तक, y कहां से कहां तक जा रहा है, x क्यूब से लेके x स्क्वायर तक, dy dx या dx dy कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो पहले मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा कि पहले मेरी y की लिमिट लगी हुई है कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप 1 कंसीडर करेंगे, 0 से 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट है मेरे पास x स्क्वायर एंड x क्यूब, dx बचा है। तो ये हो जाएगा 0 से 1 है लिमिट, y का इंटीग्रेशन, y में जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो पहले होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो चुका, और dx 0 से 1, x क्यूब बाय 3 माइनस x टू द पावर 4 बाय 4, लिमिट आपको क्या लगानी है, अब इंटीग्रेशन जब आपने कर ही दिया है तो आगे इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, और लिमिट हमें अब क्या लगा देनी है, लिमिट हमें सीधा सीधा 0 से 1 लगा देनी है, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन तो कर ही दिया है। तो पहले जब आप 1 पुट करेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1 बाय 3, फिर 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 4, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 पुट करने की जरूरत वैसे ही नहीं है। तो ये 1 बाय 12 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपने x की लिमिट पुट करी कैसे, कि आप क्या करेंगे, दोनों कर्व को सिंप्लीफाई करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये हालांकि जो ग्राफ बनेगा, आप इस बात को समझिए कि ये है 0, 0, ये है 1, 1, यहां पर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का, मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसमें नहीं, मैं अलग बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो होता है इस तरीके का। हमें ये पता करना है कौन सा ग्राफ ऊपर कौन सा ग्राफ नीचे होगा। तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम जानते हैं 1, 1, पर उससे छोटी वैल्यू पे, मतलब 1, 1 से छोटी वैल्यू पे, सपोज एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे, फर्स्ट फंक्शन में वैल्यू आएगी 1/2 पुट करता हूं अगर मैं, तो आएगा 1/8, और दूसरे में x is equal to 1/2 पुट करेंगे तो आएगा 1/4, तो मैं जानता हूं 1/8 छोटा होता है। मतलब ये जो ग्राफ है, x cube का जो ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ा नीचे से जाएगा, ये थोड़ा नीचे से जाएगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये जाएगा थोड़ा ऊपर से, इस तरीके से जाएगा। पर हाँ, 1, 1 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, मतलब ये जा रहा है ग्राफ किसका, एक्स स्क्वायर का, और ये ग्राफ जा रहा है एक्स क्यूब का, ऐसा कुछ। और हाँ, 1, 1 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। और मैंने कैसे पता किया कि x क्यूब का कहाँ होगा, x देखिए, x क्यूब में जब आपने 1 से छोटी वैल्यू पुट करी, 1 से छोटी वैल्यू, तो x क्यूब का ग्राफ की वैल्यू कम निकल के आ रही, वो नीचे होगा, जबकि x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 वो बड़ी होती है, 1/4 1/8 से बड़ा होता है। तो ये जो ग्राफ आएगा x स्क्वायर का वो ऊपर होगा, ये x स्क्वायर का है और ये x क्यूब का है, इस तरीके से। और अगर बड़ी वैल्यू होती, मतलब x की पावर 4 होता, तो वो और नीचे से आता, x की पावर 5 और नीचे से आता। तो इस तरीके से सारे के सारे ग्राफ बनेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 1, 1 है, हमसे ये एरिया कैलकुलेट करने को कहा गया है, ये एरिया। तो हमने क्या किया है, हमने एक लिमिट लगाई है कहां से कहां तक, x स्क्वायर से लेके x क्यूब तक। जो भी ग्राफ ऊपर से जा रहा होता है उसको, देखिए ये वाला ग्राफ किसका, x स्क्वायर का, जो ग्राफ ऊपर होता है उसकी लिमिट हमेशा ऊपर आती है इंटीग्रल में, जो ग्राफ नीचे से जा रहा है उसकी लिमिट कहां आती है, नीचे। क्यों ऐसा भाई, इसका कारण छोटा सा होता है कि जब आप अपर लिमिट लगा रहे हैं, आपने जब एक्स स्क्वायर लगा दी लिमिट, तो आपने एक्स स्क्वायर लिमिट लगाई है किसी पर्टिकुलर वैल्यू 0 से लेके 1 तक, तो आपका जो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ अगर ये है 1 तक, तो आपका पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाता है, अपर लिमिट में पूरा एरिया कैलकुलेट हो गया। पर जब लोअर लिमिट आप लगाते हैं,
तो अपर लिमिट में से जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा, ये नीचे वाला एरिया। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करने पर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट मतलब टोटल एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस करेंगे तभी तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तभी तो आपके पास ये वाला रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा। तो जो ग्राफ ऊपर से जा रहा है, एक्स क्यूब ऊपर से जा, सॉरी एक्स स्क्वायर ऊपर से जा रहा है, तो उसकी लिमिट आप ऊपर लगाएंगे। एक्स क्यूब ग्राफ जो है इसके नीचे से जा रहा है तो एक्स क्यूब को आप नीचे लगाएंगे, तभी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब टोटल एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे तभी तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा निकल के आएगा। यही कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चन में काम करता है। एक्स की लिमिट भी आपको कहां से कहां, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1, तो आपको देखना है कि एक्स कहां से, 0 से लेके एक्स कहां तक जा रहा है, 1 तक। फिर ऊपर वाले ग्राफ में y की वैल्यू क्या है, नीचे वाले ग्राफ में y की वैल्यू क्या है, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब, वाई का क्यूब है और साथ में है 2a-y। आपसे कहा गया इस कर्व का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ग्राफ को कहा जाता है एनवलप, एनवलप और एवोल्यूट आपने पढ़े होंगे। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब यहां पर हमें यह पता करना है कि लिमिट किसकी कहां तक जाएगी। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर x कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहां पर x कैलकुलेट करता हूं तो आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू ए माइनस वाई। क्यों मैंने y कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मैं y कैलकुलेट करूंगा तो इक्वेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगी, इसलिए मैं x कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर मैं लिमिट y की लगा दूंगा। तो x इज इक्वल टू निकल के आ गया प्लस माइनस y टू द पावर 3/2 अपॉन a इंटू टू ए माइनस y टू द पावर 1/2। ये x की वैल्यू आई, तो x की लिमिट तो हमें पता पड़ गई। मैं इसे क्या बोल देता हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा मान लेते हैं, इस वैल्यू को हमने क्या माना, अल्फा माना, ताकि इतना हमें बार बार ना लिखना पड़े। अब हमें देखना है कि चलो x तो आ गया, y की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, तो y की लिमिट निकालने के लिए भाई y की वैल्यू इस एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रही है, तो इस y एक्सिस के ऊपर x तो हमारा क्या होता है, जीरो। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा जीरो हो जाएगा, मेरे पास आएगा वाई क्यूब टू ए माइनस वाई बराबर जीरो। तो एक तो आ गया या तो y इज इक्वल टू जीरो, टू ए माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a। तो मेरे पास y की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। अब हमारा जो इंटीग्रल बनेगा, जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं, फिलहाल y की वैल्यू आ गई लिमिट 0 से 2a, x की लिमिट क्या आई है मेरे पास माइनस अल्फा से लेके प्लस अल्फा dx dy, ये हो गया। अब पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले x की लिमिट लगी हुई है, माइनस अल्फा अल्फा किसकी, x की वैल्यू है ना, तो पहले x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2a, x के रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो सीधा सीधा हो गया x कहां से कहां तक, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। तो आप कहेंगे कि 0 से 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो क्या हो जाएगा, और साथ में dy अभी लगेगा, dy अभी लगेगा, ये हो जाएगा 0 से 2a, सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया और dy। अब मैं अल्फा की वैल्यू रख देता हूं जो मैंने यहां पर ले रखी थी, इस पूरी वैल्यू को मैंने प्लस माइनस हटा के इस पूरी वैल्यू को मैंने अल्फा माना था, तो 0 से 2a अल्फा की जगह मेरे पास आ गया y टू द पावर 3/2 अपॉन a 2a माइनस y 1/2, 1/2 मतलब कुल मिला के अंडर रूट होता है। मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन करूंगा, क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट y इज इक्वल टू एक तो 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dy इज इक्वल टू 2a साइन का आगे आ जाएगा 2, पहले तो पावर आगे आएगी साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos थीटा, थीटा का हो जाएगा d थीटा। लिमिट क्या लगेगी, जब आप जीरो रखेंगे y की जगह जीरो रखेंगे तो साइन भी हो जाएगा जीरो, तो साइन थीटा अगर जीरो है इसका मतलब थीटा बराबर भी जीरो है। जब आप अपर लिमिट 2a रखेंगे तो 2a is equal to 2a sin theta, sin square theta, तो sin theta is equal to आ रहा है मेरे पास 1, तो theta बराबर क्या आ जाएगा pi by 2। तो मेरे पास लिमिट आ गई है 0 से लेके pi by 2। बहुत ध्यान से करना आगे का प्रोसेस, y की जगह मैं क्या रखूंगा 2a sin square theta, 2a sin square theta की पावर है 3/2,
अपॉन में एक ए मेरे पास ऑलरेडी है, यहां पर हो जाएगा 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई टू को मैं क्या बना देता हूं अंडर रूट, ऐसा मैंने कर दिया, 1 बाई टू भी लिखा रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a बाहर आएगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, लिमिट 0 से पाई बाई टू, एक तो 2a की पावर मेरे पास 3 बाई टू है ही, साइन स्क्वायर में ये कट जाएगा तो मेरे पास साइन क्यूब थीटा बचेगा, क्योंकि भाई स्क्वायर और ये बाय टू कट जाएगा साइन क्यूब थीटा, 2a का कुछ नहीं कैंसिल आउट होगा, वो 2a की पावर 3 बाय टू ही रहेगी। यहां पर जब मैंने 2a कॉमन लेके बाहर निकाला तो उस 2a की भी पावर क्या हो गई, 1 बाय टू हो गई, क्योंकि 2a रूट से बाहर आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, स्क्वायर से रूट कटेगा सिर्फ कॉस थीटा, ये हो गया यहां पर। अच्छा अभी तो इतना करने के बाद यहां पर जो dy था मेरे पास, मैंने dy की वैल्यू तो रखी नहीं यहां पे, जो dy था dy की वैल्यू भी हमें रखनी है, क्या है dy की वैल्यू, 4a sin theta cos theta और d theta, ये भी तो रखना जरूरी है dy की वैल्यू। तो यहां पर रूट के अंदर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, उसे मैंने क्या लिखा cos theta, 4a sin theta cos theta d theta, इतना हो चुका। अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, 2a की पावर 3 बाय टू, 2a की पावर 1 बाय टू, तो 2a की पावर 3 बाय टू प्लस 1 बाय टू इज इक्वल टू 2a की पावर 4 बाय टू, तो 2a की कुल पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और n2 में एक और 4a, तो हो जाएगा कुल मिला के 16a क्यूब, और अपॉन में भी क्या है अभी मेरे पास एक a ऑलरेडी है। तो मैंने ये बताया कि ये वाली टर्म कंबाइन होके 4a स्क्वायर बनेगा, इनटू 4a करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4a, ये हो गया 4a स्क्वायर इनटू एक और हो गया 4a डिवाइडेड बाय एक a है, इसको तो हमने लिया बाहर, 0 से पाई बाय टू लिमिट है, क्या बचा है साइन क्यूब और साइन थीटा, ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां लगाएंगे हम गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला, एक ए मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो कुल मिला के 16 ए स्क्वायर हो गया। गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, गामा ऑफ 4 प्लस 1 बाय 2 मतलब 5 बाय 2, गामा ऑफ 2 प्लस 1 बाय 2 मतलब गामा ऑफ 3 बाय 2, गामा ऑफ 3 बाय 2, देन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 प्लस 2 हो गया 8, तो गामा ऑफ 8 बाय 2, फॉर्मूला है सीधा सीधा, आपको याद होगा गामा ऑफ p प्लस 1 बाय 2, गामा ऑफ q प्लस 1 बाय 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2 बाय 2, ये फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 16 a स्क्वायर, 5 बाय 2 का गामा होता है 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट पाई, गामा ऑफ 3 बाय 2 का मतलब 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, गामा ऑफ 8 बाय 2 का मतलब होगा गामा 4 जिसका मतलब होगा ट्वाइस ऑफ गामा 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, सीधी बात है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8 जो कि 16 से कटेगा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अब मेरे पास बचा है ऊपर 3 अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई तो क्या हो गया पाई, तो मैं फाइनल आंसर जो मेरा निकल के आ रहा है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिएगा ए स्क्वायर है, 3 है अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, तो ऊपर है 3 इंटू पाई हो गया, रूट पाई इंटू पाई, रूट पाई पाई हो गया, और क्या है मेरे पास ए स्क्वायर है, अपॉन में क्या बचा हुआ मेरे पास 3 फैक्टोरियल जिसका मतलब होता है 6, ये भी कटेगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है पाई ए स्क्वायर बाय 2 निकल के आ रहा है। तो सारा का सारा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आ रहा है पाई ए स्क्वायर बाय 2। तो हमने क्या क्या यहाँ पर किया, सबसे पहले हमने एक्स की लिमिट देख ली, क्या है x की लिमिट हमने यहां पर चेक करी है। अच्छा एक चीज और जो मैंने यहां पे मिस कर दी है सारे कैलकुलेशन में, कि मैंने अल्फा की वैल्यू तो पुट कर दी थी पर जो आगे 2 था वो हमने मिस कर दिया था, ये जो आगे क्या चल रहा था हमारा 2 था ये मिस हो गया था। तो आप बस कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ इंटू में 2 आ जाएगा हर जगह सिर्फ और सिर्फ, तो जब आप हर जगह इंटू में 2 लगा देंगे तो मेरा जो फाइनल आंसर है उसमें 2 से 2 भी कट जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा पाई स्क्वायर। ऐसी चीजें भूलनी नहीं है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो हमने क्या मिस कर दिया था, 2 मिस कर दिया था, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो मैंने रख दी थी, अल्फा की वैल्यू तो मैंने पुट कर ही दी थी, जो 2 था वो भी साथ में चलता जाएगा हर जगह आएगा 2 साथ में,
तो एंड में ही 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई ए स्क्वायर मेरा आंसर है। तो क्या मैंने किया, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली ताकि हमें x की लिमिट पता पड़ जाए, जिसे मैंने अल्फा का नाम दे दिया। तो x की लिमिट तो माइनस अल्फा से कहाँ तक जाएगी, प्लस अल्फा तक जाएगी। और y की वैल्यू के लिए मेरे को x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे x तो जीरो होता है, तो जैसे मैं x जीरो पुट करूंगा तो y की लिमिट पता पड़ गई जीरो से टू है। इंटीग्रेशन इसका किया तो ट्वाइस ऑफ अल्फा या टू मेरे पास कॉमन रहेगा ही, अल्फा की मैंने वैल्यू पुट करी। फिर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मैंने क्या यूज किया, वाई इज इक्वल टू ए टू ए साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे, सारे की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो गामा फंक्शन बन जाएगा। ये जो गामा फंक्शन बन रहा है उसका फॉर्मूला यहाँ पर भी इनटू में टू लगा दीजिए, यही वाला टू यहाँ भी आ गया। तो ये जो गामा फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने पे फॉर्मूला आप जानते हैं, गामा फंक्शन के फॉर्म में जो भी होता है साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यू जीरो से पाई बाय टू लिमिट में फॉर्मूला लगा दिया, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर निकल के आएगा।